हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक वेक्टर हमारा इधर ऐसे बना हुआ वेक्टर ए है ये, ठीक है, और इसके टेल पर एक दूसरा वेक्टर ऐसे बना हुआ है, वेक्टर बी बना हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा हो स्टूडेंट, ठीक, और यहाँ पर हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर बी का लें स्टूडेंट, ठीक है, तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा आएगा बी साइन थीटा। इस डायरेक्शन का जो वेक्टर आएगा स्टूडेंट, ये आएगा बी साइन थीटा हमारा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा स्टूडेंट, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर एलॉन्ग टू द परपेंडिकुलर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, ये ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड है केवल। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड हटाना चाहते हैं स्टूडेंट, वेक्टर लेना चाहते हैं, तो इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और इसके साथ एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है स्टूडेंट? एन कैप हमारा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर्स किनके परपेंडिकुलर है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ए के भी और बी के भी। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर्स, और ये वेक्टर कौन है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी दोनों के परपेंडिकुलर होगी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, देखिए इधर हो गया वेक्टर ए हमारा, ठीक, इधर हो गया वेक्टर बी, और ये डायरेक्शन होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, दोनों के परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और जो एन कैप है वो इस डायरेक्शन का होता है। ठीक है, यहाँ इनके बीच का एंगल हमें पता ही है, थीटा एंगल है। ठीक है, अगर हम इसको एक प्लेन बना लें तो क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट होती है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ध्यान रखिएगा इसका जो है कि अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, ऐसे दिख रहा, देखो ये राइट हैंड है हमारा, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये वेक्टर हमारा ए है, ये बी है, और थंब हमारा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे इसको रखिए, देखिए हम ऐसे रख दे रहे हैं, यहाँ देखो ऐसे रखा है हमने, देखो ये इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। ठीक है,
ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी, ऐसे हाथ आप रखिए तो देखिए ऐसे बाहर की ओर है, पर इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर डायरेक्शन होगी। अगर हम इसमें किसी एक की भी डायरेक्शन इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इसका जो है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल होता है स्टूडेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ फोर्स दैट इज वेक्टर टाऊ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे है कोई बॉडी है, इधर फोर्स ऐसे एफ लग रहा है, ठीक, यहाँ इसका ये पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम दैट इज वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। एल मीन्स होता है एंगुलर मोमेंटम, आर मीन्स पोजीशन होती है, और पी होता है हमारा लीनियर मोमेंटम यानी पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा होता है स्टूडेंट लीनियर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ पोजीशन वेक्टर दैट इज वेक्टर वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ये सभी एग्जाम्पल हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी देखे वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। अभी देखो स्टूडेंट हम लोग इसको कैसे प्रूव कर लेते हैं। ये सपोज कर लो हमारा वेक्टर ए है और इधर का हमारा है वेक्टर बी, ठीक, इनके बीच का एंगल ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन का थीटा, ठीक। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, इक्वेशन नंबर वन। अब अगर हम लोग स्टूडेंट बी क्रॉस ए निकालेंगे तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा इधर, और ये एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, ठीक। एंड बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसी फार्मूले को अप्लाई कर दें बी ए साइन। आप देखो बी से ए के बीच का एंगल जो आएगा वो इधर का एंगल लेते हैं 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा एन कैप मान लो ले लेते हैं।
आप देखो स्टूडेंट, चार में तीन का मल्टीप्लाई करो या तीन में चार का, बी में ए का करो या ए में बी का, ठीक। साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये हो गया माइनस साइन थीटा और एन कैप हुआ। अब इसको माइनस अगर हम आगे आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इन दोनों में अंतर क्या आ रहा देखो स्टूडेंट, ए क्रॉस बी में आ रहा है प्लस का ए बी साइन थीटा एन कैप, और बी क्रॉस ए में आ रहा है माइनस का ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको अगर हम ऊपर वाले से ले लें स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा बी क्रॉस ए आया, ठीक। और ये इक्वेशन टू ले लें, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग ये देख सकते हैं देयरफॉर लिख करके कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा आ रहा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आ रहा, ये माइनस का आ रहा बीच में, इसका मतलब दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ कि यह ऐसे होगा स्टूडेंट, देखो वेक्टर ए अगर ऐसे क्रॉस हुआ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक, तो ये दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक। ऐसे ही माइनस पर भी क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी अगली प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट, थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर, यानी दो अगर पैरेलल वेक्टर होंगे स्टूडेंट तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो नल वेक्टर होगा, यानी इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या आ जाएगा जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री, पैरेलल के बीच कोई एंगल नहीं होता, जीरो डिग्री एंगल होता, एन कैप लिखते हैं, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। तो ये आ जाएगा इतना पूरा जीरो हो जाएगा और एन कैप डायरेक्शन है, तो इसको जीरो वेक्टर आर जीरो लिखते हैं, दोनों में जो भी लिख देंगे सब सही होगा, ठीक। ए क्रॉस बी क्या होगा नल वेक्टर, इसको लिखते हैं क्योंकि नल वेक्टर में ये वेक्टर मेंटेन हो जाता है दोनों तरफ, ठीक है।
चौथा देखो स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन तब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ऐसे ले लें तो ये होता है ए बी साइन थीटा, थीटा हमारा 90 डिग्री है, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, यानी तब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है स्टूडेंट, ये इक्वल टू ए बी आता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट पांचवा जो है प्रॉपर्टी इसकी, तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज नल वेक्टर, किसी वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए अगर हम लिखें स्टूडेंट, ठीक, तो अपने ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड का तो ए इंटू ए आ जाता है, लेकिन एंगल अपने के साथ जीरो होता है तो साइन जीरो डिग्री आती है, साइन जीरो डिग्री एन कैप ऐसे लिखते हैं। अब ये साइन जीरो का जीरो हो गया तो ये सभी जीरो हो गया, ये तो केवल डायरेक्शन है, यानी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नल वेक्टर होता है, यानी जीरो वेक्टर आर जीरो होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो वेक्टर आर जीरो होता है। अच्छा, छठा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी एक्सिस वाले वेक्टर, थ्री एक्सिस वाले, तो हम लोग पहले सेम वाला देखेंगे, आई क्रॉस आई अगर हम लोग लगाएंगे, ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का वन होता है, वन इंटू वन होता है, लेकिन अपने हिसाब बनाएगा साइन जीरो डिग्री, ठीक, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी सेम वाला होगा तो आई क्रॉस आई हो जाएगा जीरो, ठीक है। वैसे ही जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो, के क्रॉस के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, यानी सेम वाला क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंट वाला देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और डिफरेंट वाले में आई और क्रॉस जे इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा एन कैप होता है ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो आई के परपेंडिकुलर और जे के परपेंडिकुलर दोनों का परपेंडिकुलर के कैप होगा, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर क्रॉस में आएगा वो के कैप आता है, तो वन तो इन दोनों का ये है, फिर एंगल इनके बीच 90 होता है, और के कैप यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसका, तो यानी आई क्रॉस जे का आ जाएगा के कैप आ जाएगा। के कैप क्यों आया, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएं स्टूडेंट तीनों परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इधर आई कैप बना दें, इधर के कैप बना दें, इधर जे कैप बना दें, अगर कोई भी तीनों में से कहीं बना सकते हैं आप, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तीनों, तो जब हम लोग आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो के हो जाएगा। ऐसे ही जे और के का लगाएंगे तब क्या होगा स्टूडेंट, जे क्रॉस के और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप लगा सकते हैं और भी, ठीक है, और हम लोग लगा सकते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये आ जाएगा जे कैप आ जाएगा उसी तरह से, ठीक है। एक अगर हम सर्किल बना के इस डायरेक्शन का ऐसे चला दें स्टूडेंट, यहाँ से हम आई बना दें आई कैप,
यहाँ जे बना दें जे कैप, और यहाँ के बना दें के कैप, ठीक है। अब ये जब सर्किल हमारा आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, जे और के का करेंगे तो आई आएगा, आई के और आई का क्या आएगा, जे आएगा, वो सब लिख गया यहाँ। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम अपोजिट करना चाहते हैं, अपोजिट करना चाहते हैं तो आई जे से आई की तरफ अगर आना चाहते हैं तो हम के की अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी माइनस का के आएगा। यानी अगर हम इसका उल्टा लिख दें जे क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा माइनस का के डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उल्टा कर देने पर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इधर जे क्रॉस के है, तो इसको अगर हम के क्रॉस जे करें स्टूडेंट, के क्रॉस जे करेंगे तो ये माइनस का आई कह पाएगा, ठीक। और अगर हम लोग आई क्रॉस के कर दें, आई क्रॉस के कर दें, यहाँ देखो के क्रॉस आई का जे हुआ तो आ जाएगा माइनस का जे आ जाएगा, जे कैप, ठीक है। अब आप इसको सर्किल से ऐसे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बताया, जब उल्टा डायरेक्शन में चलाएंगे तो माइनस आएगा, सीधी डायरेक्शन में चलाएंगे तो प्लस आएगा। अगर हम लोग ऐसे चलाएं ऐसे, ठीक, तो ये हमने क्या लिखा था, के लिखा था, जे लिखा था, ठीक, और आई लिखा था। मान लीजिए आई यहाँ लगा देते हैं, आई के कोई भी तीन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जे में आई का मल्टीप्लाई माइनस का के, और आई में के का मल्टीप्लाई माइनस का जे, और के में जे का मल्टीप्लाई माइनस का आई आएगा। तो माइनस वाला इसमें सब माइनस आएगा और इसमें सब प्लस आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट की सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी है डिटरमिनेंट फार्मूला। यानी किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि आई जे के फार्म में दिए होंगे, हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे हमारा डिटरमिनेंट बनता है। ये लिखा है ए क्रॉस बी लिखा है, ठीक। अब इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे बना देते हैं, ऐसे हम लोग दो लाइन ऐसे बनाते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब ऊपर से हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन कौन है, कौन कौन नहीं, कोई हो या ना हो, ऊपर लिखेंगे आई जे के, तीनों ऐसे दूर दूर थोड़ा लिख देंगे, ठीक। अब आई के साथ जो लिखा होगा, आई के साथ पहला ए एक्स है, दूसरा बी एक्स है, तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे ए एक्स बी एक्स, ठीक। जे के साथ ऊपर वाले में ए वाई है बी वाई है, तो यहाँ लिख देंगे ए वाई, यहाँ लिख देंगे बी वाई। के साथ हमारा है, के साथ यहाँ ए जेड है, यहाँ बी जेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए जेड, यहाँ पर लिख देंगे बी जेड। आप ऐसे डिटरमिनेंट बना लेंगे, जब भी वेक्टर आई जे के फार्म में होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते समय ऊपर आप आई जे के रखेंगे, नीचे रखेंगे ए एक्स बी एक्स, फिर जे के नीचे रखेंगे ए वाई बी वाई, इन्हीं से निकाल के लिखेंगे ए जेड बी जेड, लिखेंगे के कैप के नीचे। ऐसे आप एक बनाइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ऐसे दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे, ठीक। वेक्टर बी दिया है टू जे माइनस का फोर के। अब इसका डिटरमिनेंट बनाइए स्टूडेंट, तो इसका अगर आपको डिटरमिनेंट बनाना है तो आप बिल्कुल एज इट इज उसी तरह बनाएंगे। पहले लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। फिर क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। अब ये तीनों चाहे इसमें दिए हों ऊपर या ना दिए हों,
इसमें आई मान लो इसमें के ना दिया हो, केवल टू आई हो, तब भी आप तीनों लिखेंगे। आप कोई एक नहीं छोड़ सकते इसमें और ना ही ले सकते हैं, आपको तीनों ही लेना होगा, चाहे वो क्वेश्चन में दिए हों या ना दिए हों। अब आई के नीचे ऊपर वाले में थ्री है, नीचे वाले में आई नहीं है, तो जो नहीं होगा वो जीरो लिखा जाएगा। अच्छा, अब जे के लिए ऊपर भी प्लस टू है, नीचे भी प्लस टू है, तो टू टू लिखे जाएंगे। के लिए देखो ऊपर नहीं है के, तो के नहीं है तो के जीरो आएगा इसमें, और इसमें के आगे माइनस फोर है तो ये माइनस फोर लिखा जाएगा, यानी साइन के साथ इसको आप लेंगे। ऐसे आप किसी की भी डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, आप इसको खुद समझ गए होंगे, आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे ओपन करते हैं, कभी कभी इसको ओपन करने के लिए पूछ देता है, तो ओपन करने के लिए पहले हम लोग आई कैप लिखते हैं, सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाते हैं। अब आई कैप में ये लाइन हमारी आती है और ये लाइन, इतना भाग छोड़ देते हैं हम लोग, इस साइड का ये भाग छोड़ देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए वाई बी जेड माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ए जेड बी वाई। ठीक, अब ये हमारा खेल इसका हो गया आई कैप का। फिर पहले वाला प्लस लेते हैं आई वाला, जे वाला फिर माइनस लगाते हैं, माइनस जे कैप। आप जे कैप में देखो स्टूडेंट, ये ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं, ये लाइन इतना छोड़ देते हैं। ठीक, इधर क्या लिखा है ए एक्स बी जेड, ऐसे ही आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, बी जेड माइनस इसका इसमें कर देंगे ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। फिर हम लोग ले लेंगे प्लस का, अब प्लस का अब इसको छोड़ देंगे ऐसे, अब के कैप का देखेंगे। ठीक है, ये के कैप यहाँ आ जाएगा, के कैप, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ से के कैप वाला ये लाइन इतनी ऊपर की, ये लाइन ऐसे छूट जाएगी, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, और फिर ब्रैकेट यहाँ से क्लोज्ड कर देंगे, यानी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स लिखेंगे यहाँ, एक्स यहाँ आप लिखेंगे बी एक्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप इसको डिटर्मिनेंट के फार्म में अगर दिखाना चाहें स्टूडेंट, तो आई कैप यहाँ होता है, ये डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो जब आई कैप लगाते हैं तो ये होता है ए वाई ए जेड, और इधर होता है बी वाई और बी जेड। ठीक, ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कहीं कहीं पूछ देते हैं, लिख देते हैं। माइनस का जे कैप इधर हो जाता है, अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे जे कैप के साथ, तो ए एक्स बी जेड ए एक्स और ए जेड, यहाँ हो जाएगा बी ए बी एक्स, यहाँ हो जाएगा बी जेड। यहाँ से आप इसको आराम से बना सकते हैं। तीसरा देखिए, प्लस का के कैप आता है। ठीक, अब इसको आप ऐसे बना सकते हैं, तीसरे में देखो के कैप वाला अभी लाइन बनी, इसको छोड़ दीजिए, ए एक्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, और ये ऐसे लिख देते हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऊपर वाले में आपसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नीचे वाले में इसके बाद फिर ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, तो आप डायरेक्ट इसी लाइन का यूज करेंगे एक क्रॉस में, इससे आपकी एक लाइन ये बच जाएगी, अदरवाइज आप इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे फिर ऐसे बनाएंगे, तो आप इसमें
अगर नीचे वाला पूछा जाता है तभी आप उसको दिखाइए, नहीं तो इसके जस्ट बाद इसको आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट बना है इसको हम यहाँ साल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। पीछे का फार्मूला अप्लाई करिए तो देखिए क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप आ गया, ठीक। ब्रैकेट में देखो आई कैप ये लाइन छूट जाएगी और ऊपर की ये लाइन छूट जाएगी, टू इंटू माइनस फोर यानी फोर टू जा माइनस एट, ध्यान दीजिएगा क्या आया, टू इंटू माइनस फोर आया, ठीक। और आगे फिर इसमें माइनस का साइन होता है और ये जीरो इंटू टू आया, तो टू इंटू जीरो लिख देते हैं, ठीक। माइनस जे कैप, जे कैप के साथ क्या आया स्टूडेंट, अब इस लाइन को हटाते हैं, जे वाली देखते हैं, तो ये लाइन तो एक ऊपर वाली छूट जाती, एक बीच वाली ये छूट जाती, तो यहाँ आ रहा थ्री इंटू माइनस फोर, थ्री इंटू माइनस फोर माइनस, अब ये तो जीरो इंटू जीरो है, जीरो इंटू जीरो, प्लस क्या आता है स्टूडेंट, प्लस के कैप आता है। अब हम लोग के कैप का देखते हैं स्टूडेंट, तो के कैप का यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, देखो ये इधर का ये कट जाएगा, इतना ये ऊपर का भाग कट जाएगा, ये आ जाएगा थ्री इंटू टू, इधर से इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू टू माइनस जीरो इंटू टू, जीरो इंटू टू, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये आ गया आई कैप, ब्रैकेट में आया फोर टू जा माइनस एट, और माइनस टू इंटू जीरो यानी जीरो, माइनस जे कैप, ब्रैकेट में आ गया थ्री फोर जा माइनस ट्वेल्व, और माइनस का आ गया जीरो, प्लस का आ गया के कैप, और ब्रैकेट में आ गया थ्री टू जा सिक्स, और माइनस का आ गया जीरो, ठीक। रिजल्ट निकल के आया देखो स्टूडेंट, माइनस एट में से जीरो माइनस किया, माइनस एट आई के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का एट आई आया, ठीक। यहाँ देखो माइनस ट्वेल्व, जीरो माइनस हुआ तो ये तो हट गया, कुछ नहीं है, माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस, प्लस का आ गया ट्वेल्व जे कैप, ठीक। यहाँ प्लस के कैप दिया हुआ है और इधर सिक्स का के में आ जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं, सिक्स माइनस जीरो यानी सिक्स ही रह जाएगा, सिक्स का के मल्टीप्लाई हुआ, सिक्स के कैप हुआ, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हुआ। अब मैग्नीट्यूड अगर मान लो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से आप खुद कैलकुलेट करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हेयर जहाँ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है आई प्लस टू जे, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम लोग हमको दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लगाइए स्टूडेंट, सॉल्व करिए, ठीक। सॉल्व में क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बनाएंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में हमने बताया कि आप लिखेंगे आई जे के, ठीक। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू रख देंगे, पहले में देखिए आई के पास वन है, दूसरे में भी वन है, ठीक। दूसरे में क्या है, जे के पास प्लस टू है और नीचे जे के पास माइनस वन है, तीसरे में के पास यहाँ जीरो है और बी वाले में टू है, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए फार्मूले से स्टूडेंट, तो क्या निकलेगा हमारा, इज इक्वल टू आई कैप पहले लिखते हैं और उसके बाद
ये ऐसे इधर और इधर, इसमें लिखते हैं टू इंटू टू, टू इंटू टू माइनस जीरो इंटू वन आ रहा है, तो जीरो में वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो इंटू माइनस वन, ठीक। माइनस लेते हैं जे कैप, अब जे कैप वाले में हम लोग बीच वाला ऐसे ये छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक, और ऊपर वाला ऐसे छोड़ देते हैं, बचा कौन, वन इंटू टू बचा, वन इंटू टू माइनस वन इंटू जीरो, वन इंटू जीरो, ठीक, प्लस का के कैप बचा, ठीक। और के कैप में हम लोग इसके अलावा जो बचा है उसमें वही रूल अप्लाई कर लेंगे, तो ये रूल हम ऐसे लगा लेंगे, के कैप में ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हमारा बच जाएगा ऐसे, तो इसमें क्या आया, वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन, ठीक। अब माइनस टू इंटू वन, यानी वन इंटू टू, वन इंटू टू, ठीक है। अब ये इसको भी हटा देंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, पेंसिल से लगाइए और फिर मिटा दीजिए। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा स्टूडेंट, ये हो गया आई कैप, इधर हो गया टू टू जा फोर माइनस जीरो, माइनस जे कैप, इधर हो गया वन टू जा टू, इधर हो गया वन इंटू टू का टू, और माइनस वन इंटू जीरो का जीरो, फिर आ गया प्लस का के कैप, और इधर आ गया हमारा वन वन का मल्टीप्लाई माइनस वन, यहाँ माइनस दिया है, और ये हो गया माइनस का टू, ठीक। अब सॉल्व कर लो, फोर माइनस जीरो का फोर हुआ, फोर आई कैप हो गया, फोर आई कैप, ठीक। माइनस टू माइनस जीरो टू हो गया, टू आई टू जे कैप, ठीक। ये क्या हुआ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री के एक साथ आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस थ्री के कैप आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो ए क्रॉस बी निकला स्टूडेंट, वो क्या निकला, यानी हमारा हो गया ए क्रॉस बी, और ये निकल कर आ गया यहाँ से फोर आई कैप, ठीक, माइनस टू जे कैप, माइनस थ्री के कैप आ गया, ठीक। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ इतनी स्पेस हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ इसके बाद हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, वही फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ए एक्स की जगह फोर है इसमें, तो फोर का स्क्वायर हुआ, प्लस ए वाई की जगह इसमें क्या है, माइनस टू है, ये आ गया माइनस टू का स्क्वायर, प्लस ए जेड की जगह हमारा है माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस थ्री का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, देखो कितना आया, फोर फोर जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट का कितना आया, अंडर रूट का ट्वेंटी नाइन आ गया, ठीक। अब हमें निकालना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बॉथ वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कौन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक, इज इक्वल टू,
ए क्रॉस बी कितना आया, 4i-2j-3k, 4i-2j-3k, ठीक, अपान √29 आ गया। ठीक, आप चाहें तो 29 को सबके अलग अलग के नीचे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसी को आंसर मान के यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।